गांव में ऐसे बैठ कर खाना खाया जाता। गांव वाले कितने अमीर होते हैं, कितने तो वहां से पूरा है ना ये खेती जो गांव में रहते हैं और किसानी करते हैं। एक्सप्रेस वे पे शायद 10 से 12 साल के बाद में गाड़ी पूरी रेडी है, लगेज वगैरह पूरा का पूरा भर लिया इसके अंदर। कृष्णा है, सुरेश है, पापा और मैं, हम सबके सब निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। मैं जा रहा हूँ शायद 10 से 12 साल के बाद में, सुरेश जा रहा है शायद 4 से 5 साल के बाद में, पापा तो कहीं जाते ही रहते हैं। तो जर्नी शुरू कर रहे हैं जयपुर टू यूपी के लिए। बीच में पूरा सफर करते हुए जाएंगे, पूरा एंजॉयमेंट और पूरे रास्ते में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हम जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए। पहले यमुना एक्सप्रेस से गया हूँ कई बार, पर मैंने वहाँ पर वीडियो कभी नहीं बनाई। पहली बार जा रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस को क्रॉस करते हुए, और वो एक अलग एक्साइटमेंट भी है कि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस को टच करूँगा। तो दोनों की अलग अलग वीडियोज आएगी, यमुना एक्सप्रेस की अलग वीडियो आने वाली है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की अलग वीडियो आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस फैमिली को उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पर सेट करो, कमेंट जरूर करना कि वीडियो का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगा। अब रही सिमरन की बात, तो सिमरन और ये पुच्चू ये दोनों यही रहेंगे, इनका कोई सेपरेट वीडियो अगर शूट करके रखेंगे तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी तो खैर आपके हाथ में नॉर्मली देखा जाए। तो चलो रेडी हैं, बस अब निकल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी पूरी कम्प्लीट हमने ओके कर ली है। कितना खर्चा आता है जयपुर से यूपी तक जाने का मैं वो भी बताऊँगा, ये अपने पापा पापा कर रही हैं, तो टोटल पूरा खर्चा वगैरह भी सब बताऊँगा मैं। और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो भी, वैसे माता रानी साथ में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी तो निकलेंगे यहाँ से। तो आगे मिलते हैं रोड पे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इससे क्रॉस करते हैं, फिर हाईवे में चलता हूँ या हाईवे में चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब जयपुर से बाहर निकलते हुए, मतलब ऑलमोस्ट अभी पूरा बाहर तो नहीं आया पर हाँ एक तरह से बाहर हो गया, क्राउड हमने छोड़ दिया है। ये घाट की गुणी है, पहले इसकी ये नहीं थी पर अभी जब ये बनी है ना तब से एक डेढ़ घंटा बच जाता है जयपुर क्रॉस करने में, तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो थोड़ा सा टनल का व्यू लो फिर अपन मिलते हैं। एक किलोमीटर के बराबर की सुरंग है ये, आई होप सो आपने बहुत एंजॉय किया होगा सुरंग को देख करके। और बस ये सुरंग क्रॉस करते तो हम जयपुर से बाहर हो जाते हैं। ये बीच बीच में ब्रेकर लगाने से गाड़ी की स्पीड बार बार तोड़नी पड़ती है, पर कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों चला ले, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 4:50 का, और 7 बजे तक सोच रहा हूँ 7 बजे तक मैं इसको आगरा टच कर लूँ। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, जब ब्रेक लेंगे ऐसा कुछ होगा तो आगे फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आगरा आ चुके हैं, आज तो वैसे हम 7:30 बजे ही गए थे आगरा के अंदर, पर अभी टाइम अगर देखा जाए ना तो इस समय टाइम 8:30 के आसपास का हो रहा है, मतलब 9 बजने वाला है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रुकना पड़ गया हमको बाबू, तो LPG का रिफ़िल करने के लिए रुके थे हम यहाँ पे। लेगा तू? हाँ भाई ले ले, ला दे अब तो बचा गया खिला। तो LPG का रिफ़िल करने के लिए थे यहाँ पे, भारत का मतलब इंडियन का पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने LPG का गैस भरा है। अगर इसका नाम देखा जाए, अगर आप कहीं से आते हो तो सिर्फ आपको गूगल पे इतना डालना है, नेशनल हाईवे फिलिंग स्टेशन सिकंदरा, सिर्फ आप इतना डाल दो आपको गूगल पे इसका लोकेशन मिल जाएगा, आप आकर के यहाँ पे LPG वगैरह भर सकते हो। तो हमने फिल कर लिया, चलते हैं थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर हम एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे और आगे के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं अभी, अच्छी शुरुआत करते हैं आगे की जर्नी फटाफट, क्योंकि यहाँ तक बहुत अच्छा कवर किया है, जल्दी करोगे तो मॉर्निंग सोच रहे कि 4-5 बजे तक हम घर पहुँच जाए। तो आगे की जर्नी को आप इन्जॉय करिए, हम आगे मिलते हैं कहाँ ढाबे वगैरह पे जहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा शीशा गंदा है जिसके लिए ना, अभी है यमुना के एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू पका रहे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, सोच रहे हैं ना गाड़ी में बैठ करके खा लें, ढाबे पे जाएंगे फिर वहाँ पर रुकेंगे या फिर करें तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, तो वो चीज़ें
चलते हैं, गाड़ी यहीं रोकेंगे फिर वहीं पे खाना वाना खाएंगे। बहुत दिन हो गया आज, 10 मतलब ये मानो 5-6 साल के बाद में वापस मैं इस पर आया हूँ इस रूट के ऊपर। इस पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। तो ये रहा टॉल, थोड़ा क्वालिटी आप एडजस्ट कर लेना, रात का टाइम है और वो कैमरा भी वो नहीं है। तो यमुना एक्सप्रेस के यहाँ से एंट्री की है, जस्ट एंट्री करके टॉल कटवा करके, और यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर वैसे सब्जी की अच्छी खुशबू आ रही थी, सोचा कुछ खा पी के चलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ खाएंगे, मतलब पापा को पहले जाके देते हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ खा पी लेते हैं, खा करके फिर आते हैं। वैसे चीज़ें अच्छी मिल रही है खाने लगे यहाँ पर, देखा जाए तो महंगी भी नहीं है, अच्छे कॉस्ट में है। फिर वैसे यहाँ पर ले रहे हैं सामान, तो सामान वो लेके फिर आता हूँ मैं, फिर मिलते हैं अपन और फिर खाना वाना खाते हैं साथ में। तो ये पूरे घर की जो हमने 10-12 साल से सफाई नहीं की है ना, उसकी पूरी प्रॉपर सफाई हो रही है। ये पापा हैं और ये मेरे चाचा हैं जो गांव में रहते हैं और किसानी करते हैं, तो दोनों जन लगे हुए, दोनों भाई लग करके पूरे क्लीन कर रहे हैं इसको कि भाई जल्दी जल्दी क्लीन हो जाए। चाचा जी काफ़ी देर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये ऊपर नाला किसी काम कुछ काम नहीं कर रहा है, ये सब काम मैं कर रहा हूँ। ये घर के सामने का पूरा व्यू हिस्सा है, पूरा का पूरा यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल सामने तक वो दिख रहा है, वहाँ पे पूरा मार्केट, छोटा मोटा मार्केट है वहाँ पे, और वहाँ से पूरा है ना ये खेती खेत है, टोटल पूरा खेती खेत कर रखा है। ये घर के आगे का आंगन है, ये किसी ने रख रखा है सामान वगैरह, इसको नॉर्मली पूरा बोला जाता है, मतलब ये धान के निचले का जो डंठल होता है ना वो है ये, तो इसको हटाया जाएगा, ये पूरा क्लीन हो रहा है, उसको क्लीन करेंगे। ये सुरेश का लड़का है जो ऊपर बैठा हुआ है, और ये बिस्तर जो अंदर रखे थे हमने, जो 5-6 साल 8 साल से अंदर पड़े हुए थे, इनको निकाल करके बाहर सूखने के लिए छत पर डाला है, धूप है तो सूख रहे हैं वो। और पापा ऑलमोस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, इसको जल्दी से क्लीन करके कि सही करें, क्योंकि ये बहुत नुकसान होता है। वो कहते हैं कि बबूल नहीं जामुन, इसकी डाढ़ कभी भी मतलब टूट के गिर सकती है। सूर्य साफ मेहनत करा, मेरा काम था गद्दा निकालेंगे, मैंने गद्दे निकाल दिया, फिर से शरीर में खुजली हो रही है, बस इतना ही, बाकी तो सब सही है। तो ये घर से सामने का व्यू है, वैसे चाचा जी ये घर पे गए थे, तो थोड़ा सा ऐसे गांव का व्यू आप देख लो, वो गाड़ी खड़ी है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा ही है, आधा हिस्सा आपने इधर देख लिया, आधा हिस्सा कुछ इधर है, 2-3 मकान जो हमारे घर के पीछे हैं, और ये हमारे पापा का बनाया हुआ घर है। मार देते तो अच्छा रहता, तो फूल जाता गुप्पे जैसा, ज़्यादा ठीक रहता। तो घर का व्यू मैं बाद में दूंगा, अभी जाना है कुछ सिलेंडर वगैरह है वो भरवाने और वापस करें। भाई सिलेंडर लेके आ जा यार, कितनी बार बोल रहा हूँ, ले आ भरवा लाए। क्या करने गया अंदर? कुछ काम से घर से निकले हैं अभी, और अगर घर से निकलने का टाइम का देखा जाए ना, तो यार देखो व्यू कितने अच्छे हैं, एक तरफ सरसों के खेत, एक तरफ इधर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि भाई गांव है तो थोड़ा गांव के जैसे ही चीज़ें रहती हैं। तो एक तरफ नहर है और एक तरफ ये पूरे सरसों के खेत हैं। तो ये छोटी वाली जो नहर है हमारी ना, ये बड़ी नहर से कनेक्ट करती है, बड़ी वाली से आती है, तो बड़ी वाली भी यहाँ ऊपर है, वो भी आपको देखने को मिलेगी आगे। एक टाइम तो छोटे छोटे थे तब आए थे यहाँ पे, बड़े बड़े में भी आए थे, पर जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, घेरे पूरी की पूरी नहर। तो चलो थोड़ा ड्राइव कर लेता हूँ, कुछ काम से जा रहे हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं जो गांव में रहते हैं, गांव में ट्रैक्टर वगैरह ये चलाते हैं अपना बैठ करके, मतलब इनका अलग एक बिजनेस है जो गांव में कर, जैसे कि एक किसान पूरा बिजनेस करता है बिल्कुल वैसे ही है। आप सुबह यहाँ पे जला वाला का आगे ताप रहे, इस व्यू के लिए आदमी तरस जाता है जो मेरे आगे हो घर के सामने है। ये मेरे कुछ गाँव का पहाड़ का व्यू है, जा रहे हैं थोड़ा सा, जिसको लोग है ना बगीचा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसको डेरा बोलते हैं, तो थोड़ा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा करके ब्रश वश करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था अपनी उधर ही है, तो चलते हैं वहाँ पर, वो सब कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। मतलब एक सुकून मिलता है गांव में आकर के, जो ना कोई फ़ोन के किच ना कुछ, ना गाड़ियों का हॉर्न का साउंड, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली शांत, और चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। गांव में किसी चीज़ के मज़े हो ना हो, इसके मज़े हैं। मतलब ये सोचो
गांव वाले कितने अमीर होते हैं, रोज अपना ब्रश चेंज कर सकते हैं। अब देखो आज का मेरा ब्रश ये है, कल ये नहीं रहेगा, तो इसके भी मजे हैं अपने। आप रोज अपना ब्रश चेंज कर सकते हो, रोज अपने, तो ये चीज़ें अच्छी है गांव के लिए, तो बहुत अच्छी है ये। तो चलो मैं अपना ब्रश करता हूँ, ब्रश करके आता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे ब्रश करने के बाद में। ये मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा दूध और दूध चावल। ये मेरे चाचा है। नहीं नहीं चाचा, कुछ नहीं चाहिए। गांव में ऐसे बैठ कर खाना खाया जाता है, जैसे ऐसे खा रहे हैं बैठ के। ये अपनी खाट वाट है, बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए। ये बैठ के सूर्य खा रहे हैं।